अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तूबा चैनल। यकीनन आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी जो नम्स के एडमिशन के मुतालिक थी। मैंने उस वीडियो में कहा था कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नम्स के फी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें प्राइवेट सेक्टर के तमाम कॉलेजेस की फीस अलग अलग देनी है? तो ऐसा नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप MBBS के लिए भी, जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, MBBS के लिए भी आप सारे कॉलेजेस को इकट्ठा अप्लाई करेंगे और उसके नीचे एक सेव का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास तकरीबन थर्ड पैरा जो है, जो थर्ड ऑप्शन आएगा ना एडमिशन में अप्लाई करते हुए, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। और दूसरा हमारे पास इस तरह ऑप्शन होगा BDS का, उसमें भी इसी तरह करना है कि जितने भी कॉलेजेस होंगे सबको टिक कर देना है और फिर उसमें भी सेव का ऑप्शन कर देना है। इस तरह तमाम कॉलेजेस एक ही टाइम पर आपके फिल हो जाएंगे। इस तरह आपको अलग अलग किसी के लिए फीस नहीं देनी, बल्कि एक ही 4500 फीस आप दे देंगे जो सब कॉलेजेस, जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस, उनके लिए मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या पेइंग कैडेट्स जो हैं उन्होंने दोनों में अप्लाई करना है, यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में और प्राइवेट सेक्टर्स में, तो उनके लिए ये जरूरी है कि उन्होंने दोनों में अप्लाई करना है, वरना उनका जो पेइंग कैडेट्स वाला ऑप्शन है वो भी निगलेक्ट कर दिया जाएगा।